अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे साथ आप लोग नए चेहरे देख रहे हो, ये बिलाल भाई हैं पाकिस्तान से और ये फसील भाई हैं पाकिस्तान से। ये इतफाक़न चंद दिन पहले मुझे ना न्यूरनबर्ग मेरे सिटी में मिले, जो कि थोड़ा सा यहाँ से फासले पे है, कोई 20-30 किलोमीटर्स को ज़्यादा दूर नहीं है। तो इतफाक़न इनसे मुलाकात हुई वहाँ पे और फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और उन्होंने फिर कहा जी कि आप हमारे पास आएँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 10-15 पाकिस्तानी रहते हैं एक ही घर में, जो कि मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। इतना कोइंसिडेंस होना कि एक ही घर में 15 तकरीबन पाकिस्तानी रहते हों, और फिर बाद में इन्होंने बताया कि पूरे का पूरा घर ही इनके पास है। वो ये घर आप देख रहे हो वीडियोज़ में, आपको नज़र आएगा लेफ़्ट और राइट पे कि इस माशाल्लाह पूरे घर पे इन पाकिस्तानियों का कब्ज़ा है। और हम दावा करते हैं इस बात का कि किसी भी पाकिस्तानी के पास घर नहीं है, तो एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग आए थे, हम लोग तकरीबन 3-4 बंदे आए थे, तो हमने जैसे जैसे अपार्टमेंट यहाँ पे खाली होते रहे तो अच्छा। हमने सब पाकिस्तानियों को अपने उनकी मदद करते रहे, स्टूडेंट्स की मदद करते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सारा हमने एक कम्युनिटी बना लिया है पाकिस्तान। तो हम सब भी बाकी को भी दिखाते हैं कि क्या सीन है, और चल रहे अंदर। आज जी अंदर चलते हैं। इस पूरे घर के 3 डिफरेंट पोर्शंस हैं और हर पोर्शन को 5 लोग शेयर करते हैं। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। अच्छा, ये डाइनिंग एरिया और ये हमारा किचन है। किचन थोड़ा मैसी हो रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी कुकिंग चल रही है, तो इसलिए टेबल भी है, डाइनिंग टेबल है, इतना बड़ा किचन है, तो ये बहुत अच्छा है। ये कितने लोग यहाँ पे रहते हो? हम लोग 5 बंदे रहते हैं। 5 बंदे हो जी। तो 5 बंदों के लिए तो ये किचन माशाल्लाह ठीक ठाक बड़ा है, यानी कि और हमारा जो 5 बंदे हमारा ना खाना भी एक साथ कंबाइन है। अच्छा जी, तो ग्रोसरी हर चीज जो भी है, जो भी खाने पीने की चीजें आती हैं वो कंबाइन होती है। माशाल्लाह बड़ा इत्तेफाक है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अली को आपने गलत इंट्रोड्यूस कराया है, ऐसा कुक शेफ बदर हमारे प्रेस करके प्लीज। घर में जितनी कुकिंग होती है ये मोस्टली ये करते हैं, और बहुत हर्सल है वो लोग का, सफाई को मेरी मम्मी है यार। फिर आपकी बात भी खिदमत भी करते हैं, कभी पाँव शाव दबा दे वो इनसे करवाया करो, क्योंकि भाई ये अम्मी वाला रोल अदा करते हैं कि खाना आप लोगों को बना बनाया मिलता है। बिल्कुल, हम शुरू से जब से आए हमें मुझे कुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे ख्याल आप लोग कोई ट्रिप्स वगैरह जाते होंगे और वहाँ जाके आपने पिक्चर बनाई हुई है। और ये हमारी सिटिंग एरिया है थोड़ा भी, ये तो आपका टेरेस है? टेरेस है हमारा, तो इसमें थोड़ा भी मैसी हो रहा है, वो हमने कपड़े सुखाने के रखे हैं यार। समर्स में हम लोग ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे सेटिंग करते हैं, यहाँ बैठते हैं सब अपने दोस्त वगैरह। तो ये हमारा लाउंज है, इधर हम ये कॉमन लाउंज है, हम 5 बंदों का, हम यहाँ से आके थोड़ी चिलिंग वगैरह करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं और सब। यार आपने तो मुझे बताया था कि आप स्टूडेंट हो जी, तो ये तो माहौल आप लोगों ने बड़ा लशपश बनाया हुआ है, तो इसे अफोर्ड कैसे करते हो? बस अल्लाह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग डिफरेंट जो 5 बंदे रहते हैं, हम सब डिफरेंट स्टूडेंट जॉब्स कर रहे हैं। इनसे अच्छा। तफसील भी पूछेंगे कि क्या जॉब करते हैं और इनकी ये जर्नी कैसी रही कि स्टूडेंट जॉब कैसे इन लोगों को मिली, लेकिन इन लोगों ने ना मुझे थोड़ा शायद इम्प्रेस करने के लिए टीवी पे मेरी वीडियो लगाई हुई है, ये चेक करो ज़रा, मैं आया हूँ तो मेरी वीडियो देख रहे हैं जनाब, इसका मतलब है जी आप लोग मुझे फॉलो करना स्टार्ट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपके आप आपके आने से पहले हमने देख ली थी वीडियो। थैंक यू सो मच यार, ये सब आप लोगों के लिए ही है, मुमकिन है किसी के कोई काम आएगी कोई इन्फॉर्मेशन तो फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन यार आप लोग देख रहे हो कि इतना ज़बरदस्त माहौल, मैंने तकरीबन 10 साल हो गए हैं मुझे जर्मनी में, 11 साल हो गए हैं, तो कोई स्टूडेंट इतने ज़बरदस्त अपार्टमेंट में रहते हों या घर में रहते हों, यानी कि ये हाई फाइव लग्जूरियस नहीं है, लेकिन जितनी इसमें कंफर्ट है कि सोफ़ा पड़ा हुआ है, टीवी है, माहौल काफ़ी अच्छा है। अच्छा, मैं अपना रूम दिखाता हूँ सबसे पहले। हाँ जो जी, आए जी रूम देखता। तो ये मेरा रूम है और अच्छा, और मैं मतलब ये मेरा वर्किंग स्पेस है। रूम वैसे ना काफ़ी कॉम्पैक्ट है आपका ना? जी, मेरे रूममेट्स हैं वो इस रूम में रहते हैं। ये मेरा रूममेट है फजील। फजील से वैसे बाहर मुलाकात हुई है। हाँ, और ये भी साथ साथ यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो मतलब ये डेली व्लॉग्स वगैरह करते हैं, और हमारी जितने भी हम कोई ट्रिप्स वगैरह में जाते हैं तो ये रिकॉर्ड करते हैं। सबने इंसिस्ट किया कि आप वीडियोग्राफी इतनी अच्छी करते हैं, तो व्हाई नॉट
तो यार सबसे पहले तो आपको गुड लक आपके चैनल के लिए, और आपको भी आप बता रहे हो 2 माह हुए हैं और मुझे भी कोई ऑलमोस्ट 2 माह ही हुए हैं ये यूट्यूब का सफर स्टार्ट किए हुए, तो आपको गुड लक। और मैं अपनी ऑडियंस को कहूँगा जी कि इन भाई का भी चैनल जाके चेक करें, देखें, आपको उम्मीद है इंशाल्लाह कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कोई फन पार्ट मिलेगा अगर इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो बाकी रूम आपका अच्छा है यहाँ? ये हमारा कॉमन वॉशरूम है और ये मगर 3 बंदों के लिए, जो बाकी जो नीचे जो हमारे अलग रूममेट्स हाउसमेट्स हैं वो उनके लिए नीचे अटैच है उनके रूम के साथ। अच्छा, इसमें ना सबसे अच्छी बात ये है जो वॉशरूम में ना विंडो है जी, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वैसे तो जिनमें विंडो नहीं होती उन लोगों ने वेंटिलेटर लगाया होता है जी, जी। लेकिन अगर विंडो हो तो वो ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल यार, ये आपने अच्छा खासा तकल्लुफ कर लिया है। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। हम उनके घर पहुंचे उन्होंने तो खाने का इंतजाम किया हुआ था। तो ये आप लोग यहाँ रहते हो, कितना खर्चा है इस घर का? घर के मेंटेनेंट है तो यही बताएंगे। अच्छा, तो टोटल घर का जो रेंट है वो 2000 है। अच्छा, तो हम इस तरह हमने डिवाइड किया हुआ है कि 4400 हम सब पे करते हैं। अच्छा जी, और इस 2000 में एवरीथिंग इंक्लूडेड? एवरीथिंग, एवरीथिंग, बिजली भी और सब कुछ, जितना मर्जी पानी इस्तेमाल करो, जितना मर्जी हीटिंग इस्तेमाल करो। हमने टीवी लाइट है कभी कुछ ऑफ ही नहीं किया, सब कुछ चल रहा है उसके साथ ही है। यार वैसे ये जाती ना लेकिन यार फिर तो ये बहुत जबरदस्त है आज के दौर में 400 पे करना मंथली रेंट और एवरीथिंग इंक्लूडेड, यानी कि इतने में स्टूडेंट अपार्टमेंट मिल भी जाते हैं, रूम मिल जाते हैं जी जी, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं मिलता वहाँ पे। बिल्कुल, सिंगल रूम मिल जाते हैं लेकिन उसका फिर फायदा नहीं होता जब सिंगल रूम में क्या लेना है। जो हम रिस्क घर में रहते हैं वो सब एक ही कोर्स के हैं, तो हम एक कोर्स में हैं और सारी डिग्री हमारी साथ है तो हर चीज़ साथ है, तो इसलिए हम मतलब प्रेफर करते हैं कि साथ रहें। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में मास्टर कर रहे हो जी? बिल्कुल। बैचलर आप लोगों ने पाकिस्तान से किया? बैचलर सबका हमारा कंप्यूटर साइंस में किया। पाकिस्तान की स्टडी से और यहाँ की स्टडी से कितना फ़र्क आपने देखा, बैचलर पाकिस्तान में किया और यहाँ पर किया? मैंने काफ़ी इधर डिफरेंस देखा, क्योंकि जो हम पाकिस्तान में पढ़ते थे वो ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड था और यहाँ पे हम जो पढ़े हैं वो ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है। अच्छा, और साथ साथ प्रैक्टिकल भी है बट हमें ज़्यादा रिसर्च वर्क में हमें इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ये हमें हमारी जो स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हैं। सही। हाँ। आप कुछ कहना चाह रहे हो? लेकिन पाकिस्तान में एक और चीज़ थी, सब जो होता था वो स्पून फीडिंग के ऊपर होता था, कोई असाइनमेंट बेस हुआ और एग्जाम जो था वो 30% हुआ तो पास कर लिया आराम से, और स्लाइड्स दे दी कि A to Z स्लाइड्स हैं ये पढ़ो के इनमें से कुछ आएगा। अब यहाँ जो है वो आपको टॉपिक दे देते हैं टीचर और आपको लेक्चर दे देंगे FEU के ऊपर, जो FEU TV है उसके ऊपर आ जाएंगे या रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वहाँ से खुद देख लो, जो क्लास में पढ़ाते हैं वो पेपर में होता ही नहीं, तो वो जो आपने जो पढ़ना होता है मतलब यहाँ पे जो एग्जाम है वो ज़्यादा मोस्टली कॉन्सेप्चुअल होते हैं। और यहाँ मैं जैसे पाकिस्तान में कहना चाहूँगा कि ना यहाँ पे ऐसे है कि पाकिस्तान में आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं मंथली, आपके पॉइंट्स बन रहे होते हैं, आपको पता होता है आप पास हो रहे हो, बट यहाँ पे एक ही शॉट होता है आपका 6 मंथ बाद, आपने जितनी मर्जी पढ़ाई की आपका वो 1 घंटा खराब गया तो आपका सारा फेल आप। मतलब कहने का मतलब यहाँ सिर्फ डिपेंड होता है फाइनल एग्जाम पे। सही जी। और जो यूनिवर्सिटी में स्टडी थी उसका कितना फ़र्क है पाकिस्तान से और यहाँ से, यानी कि लेक्चर जब देते हैं यहाँ पे प्रोफेसर देते हैं, जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस है प्रोफेसर दिया करते थे, तो वो उनकी डिलीवरी में या क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो होती है क्लास में वो कितना इफेक्टिव है, कैसा एक्सपीरियंस है वो वाला, वो जरा मुझसे बताओ। अब सारा कुछ वैसे ई लर्निंग पे चला गया है, तो FEU का भी एक FEU TV है तो वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, तो हमें लेक्चर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वहीं से रिकॉर्डेड देख लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। ये वैसे जर्मनी में जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जाते हैं उनको पता है कि यहाँ पे जो अटेंडेंस है क्लास में वो कंपलसरी नहीं होती, और अब तो खास तौर पर कोरोना के बाद तो वैसे ही ई लर्निंग जिस तरह उन्होंने बताया कि स्टार्ट होगी हुई है, तो आपने खुद स्टडी करनी है, आपको कोई कहने वाला नहीं है, अम्मी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, अम्मी खाना बनाने के लिए है लेकिन और कोई अम्मी यहाँ पे नहीं है जो आपको AG का आपने पढ़ना है। अगर आपने पढ़ाई करनी है जो कि करनी चाहिए वो आपने खुद करनी है, और अगर आपने खुदा ना खासा टाइम ज़ाया करना है तो वो भी आपकी अपनी मर्जी है, कोई कहने का नहीं। ऐसी कौन सी चीज़ आपने यहाँ पर आके महसूस की जो अगर आप पाकिस्तान में 3 साल पहले जाओ अपने बैचलर्स टाइम पर जाओ तो आप कोशिश करोगे जी कि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा तवज्जो से सीखनी चाहिए थी, ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए थी ताकि मैं यहाँ आके ज़्यादा ईजीनेस महसूस करता या मैं यहाँ ज़्यादा आके अच्छी तरीके से स्टडी करता, आपके नज़दीक वो कोई एक चीज़ बताओ। मतलब जैसे जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, जैसे प्रोग्रामिंग स्किल्स थी उस पर ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया, अगर मैं वो उस टाइम ज़्यादा अपने उस पर फोकस कर लेता तो अभी मेरे मुझे ज़्यादा हेल्प करता, क्यों वो अब मैंने मास्टर्स के दरमियान मैंने अभी सीखी, तब मुझे मतलब हेल्प की थी जॉब ढूंढने में, वर्किंग स्टूडेंट जॉब वगैरह ढूंढने में। बैचलर स्टडीज क्या थी आप? कंप्यूटर साइंस ही थी बट मैंने ना अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स पर इतना ध्यान नहीं दिया था।
तो प्रोग्रामिंग स्किल्स के बगैर कंप्यूटर साइंस का बैचलर पास कैसे हो गया? बेसिकली इसका कहने का मकसद ये है कि ना स्किल से ज्यादा हमने ग्रेड पे फोकस किया, जितना हमें स्किल पे फोकस करना चाहिए था उस जगह हमने कहा कि बस एग्जाम अच्छे दो, पेपर निकालो, अच्छा ग्रेड ले लो बस। मैं ज्यादा फोकस अगर कोर्सेज पे करता के बाद इस पर कि मैंने आसान कोर्सेज उठाए बैचलर में और मैंने कहा कि ग्रेड निकाल लूं, ग्रेड निकाल के आगे जाके देख लेंगे। तो इसी जगह जो कोर्सेज हमें पढ़ने चाहिए थे हमने वो नहीं पढ़े, हमने बस आस पास से कोर्स उठा के पढ़ लिए कि चलो कोर्स निकल जाए उसके बारे में जल्दी जाके पढ़ लेंगे। दो कोर्सेज के आप नाम बताओ, आपको स्टडी करने चाहिए थे जो आज की मास्टर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको हेल्प करते हैं। जो हम लोग जैसे बैचलर में आए तो हमारे बैचलर में कोर्स थे डाटा साइंस के, एआई के, मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के, तो हमने ये सब स्किप कर दिए क्योंकि इसमें ग्रेड कम आता था। हम वो स्किप करके हम डायरेक्ट इधर एआई में आ गए बगैर देखे कि हमारे पास कोई बैकग्राउंड होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। और उस वक्त हमें इस कोर्स की वर्थ भी नहीं पता थी, जब हम जर्मनी जब आए हमें इसकी वर्थ अभी पता चली कि ये कोर्सेज कितने हमारे लिए हेल्पफुल थे, क्योंकि मशीन लर्निंग होगी, क्योंकि अभी जो दौर है पूरा आने वाला दौर है वो एआई का है। तो वो अगर हम उस वक्त हम अपने बैचलर में इलेक्टिव ये एआई मशीन लर्निंग के हम इलेक्टिव ले लेते तो हमें अभी डिग्री में ज़्यादा काम आते और हमें जॉब ढूंढने में ज़्यादा हेल्प। और ये हमने नोटिस भी किया जो बहुत से लोग पाकिस्तान से पढ़ के आए हैं और जो ये कोर्सेज पढ़ के आए हैं उनके स्किल सेट में और हमारे स्किल सेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है। इसके अलावा कोई एक पॉइंट ऐसा जो आप चाहो जी कि वो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनके लिए वो हेल्पफुल हो? आजकल जो मैंने फील किया है ना, जो मैं कर रहा हूँ आजकल, मैं कर रहा हूँ जर्मन लैंग्वेज पे काम। अच्छा, तो अगर मैंने जर्मनी का सोचना है और मैं अपने आपको 3 years पहले एडवाइस देता तो मैं यही कहता कि आप अपनी जर्मन पे फोकस करो, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे जैसे कि कल मुझे पूरा 5 घंटे देने पड़े, उससे पहले मैं अपना टाइम दे रहा हूँ 2-3 घंटे, तो वो मेरे एक तरीके से माइनस होता जा रहा है। बाकियों के पास और चीज़ें करने को जो कि जर्मन सीख के हैं, फॉर एग्जांपल जो इंडियंस हैं वो जर्मन करके आते हैं, तो मुझे अपना टाइम लगाना पड़ रहा है उन चीज़ों पे। उसके अलावा मैं मतलब अपने वर्क पे लगा सकता था टाइम, स्टडी पे लगा सकता था, तो मुझे जर्मन पे टाइम लगाना पड़ रहा है। हम लोग ये कह भी देंगे लेकिन आपको पता है वहाँ पे सारे ना महाराजा हैं, उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने लैंग्वेज करके जानी, वो जहाँ वहाँ बैठे कहेंगे पाकिस्तान में कि जाके देखेंगे, तो जाके तो वो उन्होंने आखिर जर्मन लैंग्वेज भी यहाँ पर देख लें। एज अगर आप बैचलर्स की डिग्री और कंप्यूटर साइंस के अंदर देख रहे हैं, अगर मुझसे बात करें तो मैं यही देखूंगा कि जहाँ पे मैंने जो ग्रुप बनाया है उसमें मैंने देखा लीड प्रोग्रामिंग होती है। लीड प्रोग्रामिंग होती है कि आप कंपटीशन होते हैं प्रोग्रामिंग के ना ऑनलाइन, सही, तो आप उनमें पार्टिसिपेट करके अपनी जो गिटहब है उसकी प्रोफाइल अच्छी करो। अच्छा, क्योंकि जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो देखते हैं उस चीज़ को कि बंदे को कितनी कैपेबिलिटीज है। अगर ये क्लेम कर रहा है इसकी पाइथन स्ट्रॉन्ग है, C++ स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी कैसी है वो पाइथन और C++, वो उसकी प्रोफाइल पे जाके देखेंगे, वो भी गिटहब की। तो गिटहब का प्रोफाइल पे अगर आपके कोड हुए हुए हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हुए हुए हैं और अच्छे हुए हुए हैं, तो जाहिर बात है प्रोफेसर आपको एज देंगे, आपको भी मज़ा आएगा कि आपने कुछ किया हुआ है जब आप इधर के लोगों से बात करोगे। सही यार, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर मैं ना रेफ़र भी करूँगा एक और वीडियो को, क्योंकि जो भी पाकिस्तान से स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप आ रहे हो यहाँ पे एक तो स्टडी करनी है मास्टर स्टडी, लेकिन एट द एंड फ्यूचर को सिक्योर करना है। फ्यूचर सिक्योर का मतलब ये है कि एक अच्छी जॉब लेनी है किसी चीज़ रिप्यूटेबल कंपनी में, फिर उसके बाद कोई ऐसी स्टेज भी आती है कि आप लोगों ने बिज़नेस करना है, कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, बिज़नेस करना है, तो उस सभी के लिए टेक्निकल स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें फिर वो लैंग्वेज वाला पार्ट आ जाएगा या और पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जो अच्छी आएंगी। हमारे मैंने सुना अभी तक वो बच्चों को जो बैचलर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, LED से कुछ बना रहे हैं बच्चा, या C++ का छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा होता है। अभी वो पिछले दिनों कोई गूगल का हुआ था कंपटीशन स्टार्ट हुआ था, तो पाकिस्तानी कोई मेरे ख्याल 1400 या 1500 नंबर पर आया है और जो इंडियंस थे या बंगाली थे वो टॉप 50 में आ रहे थे। तो ये सारी ब्रदर आप लोगों ने टाइम पास भी करना है, यश भी करनी है, लेकिन अगर आप स्टडीज़ पे नहीं करोगे, कंसंट्रेट नहीं करोगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जर्मनी आओ, सारे ऐसे नहीं हैं, पाकिस्तानी भी ऐसे बहुत सारे हैं जो टॉप टीयर में जा रहे हैं ऐसा ऐसा ना, यानी कि अपनी कंपनीज बना रहे हैं, वो अपनी स्किल्स पे बिलीव करते हैं, तो सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर ऐसा करना स्टार्ट करेगी तो ये आप लोगों के लिए सबके लिए बेहतर है। तो ये अच्छी राय है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ना हैकेथॉन्स होते हैं, प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, वो कोशिश ये करें कि उसमें ज़्यादा ना कॉम्पिटिशन में हिस्सा लें, ताकि आपकी स्किल स्ट्रॉन्ग होंगी, यहाँ पे आपको डिफरेंट जॉब में हेल्प करेंगी वो। सही जी, ये तो हम स्पेसिफिक बात करें कंप्यूटर साइंसेस की, IT की, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो वो, और यानी कि मैनेजमेंट साइंसेस हो, तो हर बंदा अपने अपने डिसिप्लिन में देखे कि भी करंटली दुनिया में क्या चल रहा है और उसके मुताबिक अपने बैचलर के प्रोजेक्ट्स करे या कोई इस तरह की सेमिनार्स अटेंड करे या इन्फॉर्मेशन गैदर करे, ताकि उनको आगे आते हुए कोई हेल्पफुल हो। आप लोग सभी स्टूडेंट जॉब कर रहे हो? जी बिल्कुल।
तो मुझे वन बाय वन बताओ, पहले चलो आप बताओ इस बार फसील की। मैं मिनी जॉब कर रहा हूं एज अ फ्लिंक में। अच्छा, तो बस मैं वही इस टाइम कर रहा हूं, और अभी मैं फिलहाल अप्लाई वगैरह कर रहा हूं और अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहा हूं थ्रू लिंक्डइन। और यार गुड लक, आप अल्लाह करे कोई जल्दी आपको जॉब मिले, स्टूडेंट जॉब मिले, अच्छी मिले। और आप बताओ? मैंने भी जब मैं नया नया इधर आया था तो मैं भी सबसे पहले मैंने भी फ्लिंक की थी तकरीबन 6 मंथ। उसके बाद मैंने 6 मंथ गैतियर में काम किया था। अच्छा। और उसके बाद जो मेरी थर्ड जॉब थी वो मैंने प्यासन में फॉर्चून में एक चॉकलेट कंपनी थी, उसमें मैंने 6 मंथ काम किया था। फ्लिंक है क्या? और इसके लिए बताओ एक दो सेंटेंसेस में, और ये भी बताओ कि उसमें पर मंथ ऑलमोस्ट कितनी बंदा अर्निंग कर सकता है? फूड पांडा की जिम्मेदारी रहती है। फूड पांडा जैसे वो फूड देता है तो फ्लिंक जो है वो ग्रॉस यहाँ पर डिलीवर करती है। पार्ट टाइम अब 80 आवर्स पूरे कर लेते जो स्टूडेंट को अलाउ होता है, तो उसके ऊपर 1000 बन जाते होते हैं। और सेम गोज फॉर गैतियर, उसमें 1000 प्लस बन जाते थे क्योंकि गैतियर ने हमें एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय रजिस्टर्ड किया हुआ था, और वो अभी भी ऐसी करती है, तो उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपके वही पे करते थे। सही, ठीक है। तो उसके बाद मैंने प्यास्ट में जॉब की थी, उसके अंदर मुझे 2000 मिल जाते थे, मैंने फुल टाइम किया था 3 महीने जी, वो फुल टाइम है माशाल्लाह, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और अभी आप स्टूडेंट जॉब कर रहे हो सीमेंस में? हाँ, सीमेंस में तो मेरी 60 आवर्स है। अच्छा, तो मुझे 900 मिलते हैं माशाल्लाह, ये भी वैसे अच्छे लेकिन वो मतलब उससे अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है, अपने रिलेटेड जॉब है। नहीं हाँ जी, उसमें ये है कि चूंकि आप अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो ये आपकी प्रोफाइल के लिए अच्छा होता है, और इसमें आपको डेफिनेटली जो पर आवर मिल रहे होते हैं वो भी ज्यादा अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। और स्टूडेंट जॉब से जो मेरा एक्सपीरियंसेस था कि स्टूडेंट से कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं ले रहे होते, रिलैक्सिंग काम होता है, यानी कि आप इजीली कर सकते हो, तो स्टूडेंट जॉब इसलिए जरा ज्यादा आसान होती है जी। तो आप बिलाल बताएं कि बिलाल एक्सपीरियंस कैसा है? एक तो फीलिंग हमें पता लग गया है कि आप माशाल्लाह 1000 यूरो वहां से कमाते थे, 1000 यूरो स्टूडेंट लाइफ पे कमाने पर मंथ, तो ये नॉट बैड, यानी कि अच्छे पैसे हैं। यानी कि जी, तो मैंने भी शुरू किए 8 मंथ्स, मैंने और जॉब भी की। अच्छा, उन्होंने बताया तो देन मेरे 8 मंथ, आफ्टर 8 मंथ मेरी जॉब लग गई थी पावर क्लाउड में एज अ वर्किंग स्टूडेंट। सही। सो मैं अभी मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है मैं उनके साथ एज अ वर्किंग स्टूडेंट काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी स्किल्स में मेरे उनके साथ डेवलप हुई हैं। अच्छा। और ऑन एवरेज मेरी भी 900-2000 सैलरी बन जाती है, और मैं भी 80 आवर्स काम करता हूँ। आप लोग स्टूडेंट जॉब करते हो और आप माशाल्लाह वहाँ से 900-1000 यूरो तकरीबन पैसे कमा लेते हो, और आपने कोशिश की कि पढ़ाई के साथ जो हीवी जॉब होती है यूनिवर्सिटी में वो इतना टाइम मिलता है उसका? उसका टाइम मिल सकता है, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि मैं बिलाल जब आया ना और फजील भी, तब कोविड सेमेस्टर चल रहा था। अच्छा। कोविड में ना हम टीचर से मिले ही नहीं, अगर हम टीचर से मिलते हैं इंटरेक्शन बनते तो तब हम हीवी जॉब साइड पे जा सकते थे। जब अब कोरोना वाला खत्म हुआ तो हमारी इंडस्ट्री में लग गई। सही। हमने ज्यादा वो प्रेफर किया कि इंडस्ट्री में काम करें। ये आपको पता है कि आप स्टूडेंट जॉब इंडस्ट्री में कर रहे हो, इंडस्ट्री से मतलब आप यूनिवर्सिटी से बाहर कर रहे हो, स्टूडेंट जॉब कर रहे हो, फ्लिंग में कर रहे हो या किसी कंपनी में कर रहे हो, तो आप 80 आवर्स वहाँ पे करो। उसके अलावा अगर आपको हीवी जॉब यूनिवर्सिटी में मिल जाती है और वो तो आपको बेशक 80 आवर्स की मिल जाए, 60 आवर्स की मिल जाए, जितनी मिल जाए आपको, पैसे सारे आपके हैं। और पता आपको काउंट भी नहीं होंगे वो जी, मैंने सुना है उनके आर्ट्स काउंट नहीं होते, डिवोर्स काउंट नहीं होता है। अच्छा, ये बात नहीं पता। तो वही मैं ये बात मुझे पता थी तो मैं टीचर के पावर पढ़ के ले लेता। चलो, ये बात आपको नहीं पता थी तो इस पे मैंने वैसे वीडियो बनाई है कुछ वीक्स पहले, आप लोगों से शेयर की है, आप लोगों को देखना, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी है, जो अभी जिन लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मेहनत कर सकते हो ना उसमें, डेफिनेटली मैं हमेशा ये कहता हूँ स्टडी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, यानी कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी है, टाइमली उसे फिनिश करो। लेकिन अगर उसके बावजूद किसी के पास टाइम है कि वो पैसे कमाना चाहता है तो पैसे कमाने के लिए ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा बंदे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो पैसे ठीक ठाक कमाते हैं। आपको पता है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो अबव 20,000 यूरोज पर ईयर कमाते थे? नहीं है, मैं आपसे बात चल रही है। अच्छा यार, वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन। आप लोग देख रहे हो कि लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, वो हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था लेकिन वो ब्रेक माशाल्लाह थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया जी। चिट चैट इस तरह की होती रही कि भी वो शाम से कब रात होगी पता नहीं लगा। तो अब हम जल्दी ज़रा वीडियो क्लोज करते हैं, आपको लास्ट रिमार्क देते हैं। आप लोग देख रहे हो कि हमारे साथ इन एक गेस्ट भी हैं, ये हमारे GM भाई हैं जो मुझे पता लगा है जी। GM भाई है। और GM भाई की स्पेशलाइजेशन है ChatGPT जी, जो कि वैसे भी बड़ा ज़्यादा फोकस्ड है आजकल की दुनिया में, बड़ा ज़्यादा बूम है इसका कि हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, आपने सिर्फ कमांड देनी है। आपसे ब्रदर जो इंटरेक्शन रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, कि हम इंशाल्लाह इस पर ना किसी दिन डिटेल वीडियो बनाएंगे जी शो, ताकि हमारी ऑडियंस पाकिस्तान में खास तौर पे या वैसे भी जहाँ से भी लोग हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको ये चीज़ें पता लगें। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो और ख़ासतौर पर जो अपनी बताई है, एक्सपर्टीज़ बताई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
तो आई होप कि वो किसी ना किसी के काम आएंगी या लोगों को कम से कम एटलीस्ट इंटरेस्टिंग फील हो। कहना मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का भी, आपने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, इन्फॉर्मेशन भी शेयर की, खासतौर पर अपना घर दिखाया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरह की जगह पे रहना और इतने कंफर्ट में रहना और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ रहना। हाँ, और हर तरफ माशाल्लाह अपने ही अपना झंडा नजर आ रहा है हर तरफ। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया और थैंक्स आप लोगों ने खास तौर पे वो जो शेयर की है इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स को क्या चेंज करना चाहिए, किस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किसी ना किसी के इंशाल्लाह काम आएगी, अगर कोई तवज्जो देगा तो उनके फ्यूचर के लिए बेहतर होगी। लास्ट पे आप कुछ और कहना चाहो जो आप, जैसे कि अभी अली के ढेर सारे क्वेश्चन थे। अच्छा, कि हमें मतलब क्यों छोड़ना चाहिए जर्मनी को, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए जर्मनी को, क्या पढ़ना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे लिविंग कैसे करनी है, लाइसेंस कैसे करना है, ये जो जितने सवालात हैं ये सारे जवाब आपने कह के आप एक और पार्ट बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, ऐसे ही जेम भाई से डिस्कस करेंगे, तो हम भी उसका वेट करेंगे और हमारी ऑडियंस भी आप वेट करेंगे। मैं तो मोटिवेट कर रहा हूँ लोगों को कि जर्मनी आए, मैं अभी तक उनको जर्मनी से बाहर भेज नहीं रहा। तो ये ठीक है, आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि भी ऐसी कौन सी रीजन है कि लोगों को जर्मनी में स्टे करना चाहिए, यहाँ पे उनको फ्यूचर उतना इमेजिन करना चाहिए कि यहाँ पे सिक्योर हो सकता है या बेहतर हो सकता है। तो ज़रूर इस पर इंशाल्लाह जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और जैसा हमने डिस्कस किया है कि जो सवाल अली के जहन में आए थे, उसने बड़े अच्छे सवाल पूछे, वैसे सवाल आपने भी अच्छे पूछे, तो अगर सारे जवाब आज की वीडियो में देंगे तो वो तो अनलिमिटेड हो जाएगी। कोई जरूर दोबारा प्लान करेंगे लाइफ इन जर्मनी में। आप कुछ कहना चाहो? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जब जैसे स्टूडेंट्स आते हैं वो लिमिटेड नहीं रहें किसी चीज़ में, जैसे फॉर सपोज कंप्यूटर साइंस पे सिर्फ लिमिटेड ना है, वो जो मजीद टेक्नोलॉजी उसको एक्सप्लोर करके आएँ, जैसे कि अभी AI और मशीन लर्निंग के बूम है, और कोई एक स्किल सीख के आएँ। स्किल एक दो मेंशन करो फटाफट, कौन सा स्किल? लाइक प्रोग्रामिंग स्किल अपनी स्ट्रॉन्ग करके आएँ, और अपना मतलब कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करके हैं। अच्छा, स्पेसिफाई करते हैं प्रोग्रामिंग को कि पाइथन को करके हैं जी, स्पेसिफाई पाइथन करके हैं, और SQL को थोड़ा वो देख के जरूर हैं जी, क्योंकि पाइथन यहाँ पे मतलब ज़्यादातर कंपनीज में यूज़ हो रही है, तो उसको अपनी जैसे प्रोग्रामिंग से उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके हैं। ठीक है, वो उसको हेल्प उनको हेल्प करेगी यहाँ पे करियर ग्रो करने में। ठीक है, ठीक है, ये उम्मीद है आप लोगों ने इन भाइयों की बातें सुनी होंगी, और अगर आप लोग अमल करोगे, अगर आप इस फील्ड कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो और परस्यू करना चाह रहे हो अपना करियर यूरोप में, खासतौर पर जर्मनी में, जो कि यूरोप वर्ल्ड वाइड भी, यानी कि टेक्नोलॉजी हर जगह पे इसी तरह इंप्लीमेंटेड होती हैं, तो अगर आप करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी यार वंस अगेन आपका शुक्रिया टाइम का भी और इस वंडरफुल इवनिंग का भी, दोबारा मुलाकात होगी और बातें होंगी जी इंशाल्लाह। ठीक है, और आप लोग का भी शुक्रिया देखने का। दोबारा फिर नई किसी वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे या किसी नए टूर पर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।